हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। अभी सुबह का टाइम है, सुबह की साफ़ सफाई हो रही है, तो अंदर की झाड़ू लगा लिए थे दोस्तों। उसके बाद हम ये आंगन की झाड़ू लगाएंगे। अंदर के जो किचन है ना, सभी हम साफ़ सफाई कर लिए थे। उसके बाद हम आंगन को झाड़ू लगाएंगे। अंदर की आंगन, बाहर की आंगन, सब जगह झाड़ू वाड़ू लगती है इस टाइम में। तो यहाँ पर हम अभी झाड़ू लगा रहे हैं अंदर ही। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी कोई उठ गए थे, चाय नहीं बनी है, चाय भी नहीं बनाए थे इस टाइम में। और आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो ज़्यादा शूट तो मैं नहीं कर पाती हूँ वीडियो, मैं झाड़ू वूड़ू दिखाती हूँ, खाना पीना मैं बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से कहीं जाना है, तो इसलिए जल्दी हम काम निपटा रहे हैं। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू हम कर देते हैं। बच्चे तो सभी स्कूल जाएंगे, लेकिन रोहिणी रोशनी ने थोड़ा ज़िद्दी कर रहे थे कि आप लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को भी जाना है। तो हम बोल रहे थे नहीं बेटा, तुम लोग स्कूल जाओ। तो ये लोग ना बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग भी जाएंगे, इस तरह से ज़िद्दी कर रहे थे। तो फिर समझाए, लेकिन भी वो लोग नहीं गए स्कूल, और ये लोग जा रहे हैं अपने भाभी की तरफ, और हम लोग चलेंगे। तो जल्दी निकलेंगे ताकि हमारा काम भी हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। यहाँ पर अभी टाइम नहीं हुआ था बच्चों का स्कूल जाने का, तो इसी टाइम से वो लोग परेशान थे कि आप लोग आखिर कहाँ जाएंगे, हम लोग को भी ले चलो। तो ये लोगों को हम ना जिद्दी करती इसलिए नहीं बताए थे, बोले थे कि रोहन का आधार कार्ड बनवाना है। तो फिर भी वो लोग बोल रही कि अभी जाएगी, फिर कब आएगी पता नहीं, ऐसे कह करके। रोहिणी तो रह जाती, लेकिन रोशनी रहती नहीं है, रोने लगती है और बोलती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, फ़ोन करवा लेती है। और तो उसी से हम डरते हैं, इसलिए थोड़ा छुपा कर भी जाते हैं, फिर भी लोग से बच नहीं पाते हैं। तो बच्चे हैं ना, थोड़ा ज़िद्दी होने लगती है। सबसे बड़ी है मेरा बेटी, तो फिर वो ना छोटी से ही थोड़ा दुलार होते आ रही है, तो फिर वही थोड़ा ज़िद्दी ज़्यादा हो जाती है। और रोहिणी को जैसा कहो वैसा सुन लेती है, लेकिन रोहिणी ना थोड़ा रोशनी ना थोड़ा ज़िद्दी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा झाड़ू वड़ू हो गई थी, इसको हम उठा करके फेंक देंगे। तो बाल्टी हम बाहर पर रखे हुए थे, तो वो ले आए हैं, और इसी में हम उठा देंगे, फिर बाहर पर फेंक देंगे। उसके बाद हम जल्दी से अपना ये झाड़ू वाड़ू धो लेंगे, खुद भी धोवा लेंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे और जल्दी से खा पी करके निकलेंगे। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो डर भी लग रहा है कि बारिश ना जाए। तो यहाँ पर हम आ गए थे झाड़ू धोने के लिए, साथ में हम भी धोवा लेंगे, फिर उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाते हैं, सब्ज़ी भी हम उतना मतलब नहीं दिखा पाते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर झाड़ू धो लेते हैं, बर्तन उतर तो सब हो गया था, सुबह का काम सभी हो गया था, बस खाना बनाना बाकी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा धुआं मजा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, कहीं जा रही है प्रीति, तो ये साइकिल को बना रही थी, साथ में चांदनी भी ब्रश व्रश कर रही है। और यहाँ पर हम हाथ पैर जो धोवाना था धो लिए, उसके बाद आ गए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू बड़ी और बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, खाना बन गई थी। आज रोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज जल्दी में हम, और अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि अभी ही बारिश होगा, लेकिन आज हुआ नहीं, फिर भी मौसम जल्दी से मतलब सुबह से ही ख़राब था। और देखिए, इस टाइम रोहन के पापा कहीं गए हुए थे, तो ले गए आए थे तरबूज, तो रोहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल रहा था कि हमको भी धो, वो छूने वाला था, लेकिन हाथ नहीं धोया था, इसलिए हम बोले थे कि हाथ नहीं धोया है तो मत छूना, तो छुआ भी नहीं। और उसके बाद रोहिणी आई है, बोल रही है कि हमको कट करके मत देना माँ, हमको ऐसे ही देना। तो हम बोलते हैं ठीक है, पहले कट तो करने दो। तो बहुत दिन के बाद भी इस तरह का कुछ खाने के लिए मिलता है, तो बच्चे तो खाने से ज़्यादा देखने में उसको पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पर जिसको खाना था इस तरह से छिलका वाला, तो छिलके में ही दे देते हैं, लेकिन छिलका को नहीं खाते हैं, जो लाल लाल है ना वही को खाते हैं, लेकिन छिलका को पकड़ के खाते हैं। तो वो मांग रहे थे और हम बना रहे थे छिलका को निकाल करके, फिर अच्छे से पीसेस में कट करके और खाएंगे सभी को सोच के। तो रोहिणी बोल रही नहीं हमको ऐसे दे दे, तो फिर हम ऐसे ही दे दिए। और रोहन भी बोल रहा था कि हमको भी वैसे ही देना माँ, कट करके मत देना, तो उसको भी वैसे ही दिए, रोहिणी को भी वैसे दिए, बस ये रह गया है। तो इसमें से हम सभी एक दो करके खा लेते हैं, सभी बाटा बाटी होकर के। यहाँ पर एक बच्ची भी आई थी, सभी को दे देते हैं। तो अभी धूप का दिन आ रहा है, तो आजकल यही सब मिलेगा खाने के लिए धूप के दिनों में, और अच्छा भी लगता है। जब कड़कती धूप रहती है ना, उस टाइम अगर
इसको बना करके नमक के साथ में खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं इसको। और उसके बाद देखिए हम लोग जल्दी से निकल गए थे, रास्ते वस्ते में कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं किए, तो यहीं पर आए थे हम लोग और कहीं पर हम वीडियो वगैरह शूट नहीं किए। जब हम लोग निकल के गए फिर उधर काम के लिए कहीं गए थे, तो वहाँ पर गए तो रोहन थोड़ा अचानक से गाड़ी पर बैठा था, तो इसको उल्टी भी हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन हम कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं दिखाए आप लोगों को। और उसके बाद जहाँ जाना था कई जगह हम लोग घूमे, 3-4 जगह घूमे, लेकिन कहीं का वीडियो नहीं दिखाए और सीधे घर आ गए थे। थोड़ा थोड़ा देर बैठे थे, उसके बाद हम घर आ गए, फिर कुछ शूट वगैरह नहीं किए थे वीडियो। फिर ये सुबह का टाइम है, तो कल का दिन तो बीत गया, आज है सुबह का टाइम, लगभग 10-10:30 बजे थे होंगे, और दिन है शुक्रवार और तारीख है 22 मार्च। तो अभी हम गोबर लेकर के आए हैं घर, गोबर वहाँ पर पड़ा था, हम कल ही देखे थे लेकिन लाए नहीं थे, तो आज लेकर के आए हैं। अभी इसी से लिपाई करेंगे यहाँ पर। तो ये बाल्टी भर गया है, देखिए छोटा सा बाल्टी हमारा जिसमें हम गोबर घोलते हैं, तो उसी में हम अभी गोबर घोल बनाएंगे, आधा को निकाल देते हैं, ज़्यादा हो गया है तो अभी इतना गोबर है ना, हम बहुत ज़्यादा जगह लीप सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम घोल बनाएंगे और यहाँ पर है लिपाई करेंगे इस आंगन को, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, उसके बाद लिपाई नहीं हुई है। तो देखिए घोल बना लिए हैं, थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा और गोबर डालेंगे और लिपाई करेंगे। सिर्फ गोबर है, मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, मिट्टी और गोबर दोनों मिलाओ तो भी अच्छा होता है, कभी कभी हम गोबर से भी लिपाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पानी डाल करके फिर हम अच्छे घोल तैयार कर लेंगे, और ये गोबर है ना उसको रख देंगे बाकी दिन के लिए लिपने के लिए। और यहाँ देखिए रोहन के पापा ये सब्जी वगैरह धो रहे थे और धो करके फ्रिज में रख रहे थे, तो मैं लिपाई कर रही थी, अभी जल्दी जल्दी से लिपाई पोताई करेंगे और उसके बाद फिर से लग जाएंगे अपने कामों पर। तो यहाँ पर हम पिंडा से लिपाई करना शुरू करें, पूरे आंगन की लिपाई करेंगे अभी। तो गोबर है सिर्फ और काला काला सा नज़र आ रहा होगा, तो अच्छा लगता है इस तरह से गोबर वाला भी लिपाई, लेकिन आजकल ना धूप है इसके कारण अगर ज़्यादा लिपाई करो गोबर से तो फिर पपड़ी निकलने लगते हैं, इसलिए कभी कभी मिट्टी से भी लिपना चाहिए और बेहतर रहेगा कि मिट्टी और गोबर दोनों मिला करके लिपो। तो हमको ना गोबर बहुत सुंदर लग रहा था, थोड़ा हरा हरा में लग रहा था, इसलिए हम सिर्फ गोबर से ही लिपाई किए हैं। और कहाँ कहाँ पर उभर खाबड़ भी हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं उसमें छावेंगे, क्योंकि अभी बारिश फिर से आएगी तो फिर और वही हाल होगा, इसलिए अभी छोड़ देते हैं, बाद में अच्छी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं मोबाइल में तो फिर पानी ही पानी दिखाई देता है, तो फिर अभी 1-2 दिन नहीं लिपाई करेंगे। होली में हो सकता है साफ़ सफाई अच्छी से होगी, लिपाई पुताई अच्छी से होगी। तो यहाँ पर हम अभी लिपाई कर रहे थे, चीन्हा बना बना करके, अच्छा लगता है इस तरह से देखने में। गोबर से अगर लिपाई करो ना और इस तरह से हाथ से चीन्हा बना दो तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो अंदर की लिपाई तो हम कल ही किए थे, बस आंगन की ही लिपाई करेंगे। कहीं ना कहीं रोज़ दिन लिपाई तो होता ही रहता है, और ये काम हमारा रोज़ की है, क्योंकि मिट्टी का घर है ना, तो फिर मिट्टी का काम काज गोबर की काम ये सब तो लगा रहता है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए, मिट्टी गोबर की काम ना हो तो हमारा घर का जो है ना सुंदरता ख़राब होते जाता है, इसलिए लिपाई पोताई की काम हमेशा करते रहते हैं। विशेष का ज़्यादा घर रहता है, ज़्यादा रूम रहता है, तो एक ही दिन में तो सभी हो नहीं पाता है अकेले आदमी के लिए। अगर यही काम करते रहो दिन भर में तो हो जाता है, लेकिन और भी काम होते हैं इसके कारण एक ही दिन में नहीं हो पाता है। सबके घर में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के घर में तो एक ही दिन में जितना भी घर रहता है सब लिपा जाता है, लेकिन मेरे घर पर ना होता है सुबह के काम में तो खाना पीना बना, बच्चों को भेजो, फिर होटल के भी काम हो जाते हैं, होटल के काम में भी हम और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो कहीं चल जाते हैं सामान वगैरह लाने के लिए, तो फिर उनके आने तक सभी काम हमको रेडी करना होता है, तो उसकी वजह से एक ही दिन में हमारा लिपाई की काम नहीं हो पाती है। सुबह के टाइम में अगर हम लगेंगे और सुबह से ही लगातार लगे रहेंगे ना, तो 12-1 बजे तक पूरे घर की लिपाई हो जाएगी, इस घर की, फिर और बगल में है वो घर की, फिर हमारे होटल घर हैं, फिर आंगन है, इतने सारे लिपाई करेंगे तो फिर सुबह से लग करके 12-1 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन
एक ही दिन में नहीं हो पाता, हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाता है क्योंकि कई काम देखना पड़ता है इसके कारण। तो अभी मैं लिपाई शुरू कर दी हूँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा लिपाई करेंगे। आज धूप थोड़ी लग रही है लेकिन मौसम की गारंटी भी नहीं रहती है कि कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी, इस तरह से मौसम तो लगा रहता है। लगभग सभी के यहाँ ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि देखते हैं दीदी लोग का भी ब्लॉग में तो फिर यही हाल है, वो लोग का भी कभी बारिश होती है तो कभी छांव कभी धूप इस तरह से, तो सभी के यहाँ लगभग लगा है इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो देखिए ये गोबर है ना, उसको हम उठा करके रख देंगे और बाकी कल के लिए लिपेंगे। अगर सूख जाएगा तो इसको हम सुखा लेंगे जलावन के लिए, और अगर ठीक रहेगा तो हम इसी से लिपाई करेंगे, सब जगह जितना होगा उतना लिपाई करेंगे। तो ये मशीन के पास भी थोड़ा लिपाई पुताई हुआ होता है ना, तो फिर लोग आते जाते रहते हैं तो फिर देखने में अच्छा लगता है, इसलिए जब बारिश छोड़ दी है तो फिर अभी हम लिपाई भी करना शुरू कर दिए हैं। और अब हमारा पिंडा का हाल दिखाएंगे ना आप लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। पानी जब छींटा पड़ते हैं तो धो करके सब मिट्टी निकाल दिए हैं, तो उसमें मिट्टी हमको छापना पड़ेगा, तो वो भी काम करेंगे। लेकिन आज तो लिपाई की ही काम होगी आंगन की। और बाहर में आप लोग बोल रहे थे कि जो दीवार है मिट्टी जहाँ से हम लोग फुला फुला करके दे रहे हैं दीवार पर, तो वहाँ पर भी लिपाई छबाई की काम जरूरी है। आप लोग कह रहे थे कि जल्दी से छबाई करो, तो सही बात है, पर मैं सोच रही थी ना कि जब हमारा दीवार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें तो लिपाई छबाई की काम करनी पड़ेगी ही, तो फिर उसी टाइम हम लिपाई छपाई के काम करेंगे उधर कह करके छोड़ दिए हैं। और जब हमारा दीवार कंप्लीट होगा फिर एक फिर से दीवार लगा करके, जैसे बैठने उठने के लिए कोई रूम नहीं बनता है उसी टाइप का बनाएंगे, उसके बाद लिपेंगे छापेंगे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि कच्चा दीवार को मत छापना क्योंकि फट जाता है, और सही बात है, होटल के रूम को हम लोग कच्चा में छापे थे तो दरारें पड़ गए हैं दीवार में, तो फिर दिक्कत हो गई, इसलिए बोल रहे थे कि थोड़ा सूखने देना उसके बाद छबाई करना तो अच्छा रहेगा। तो हम बोले ठीक है, तो इसीलिए अभी तक छबाई की काम नहीं शुरू हुई है, और नहीं तो अभी तक हम शुरू कर देते लिपाई छबाई की काम और आधा ख़त्म भी कर देते। तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी उधर की लिपाई छबाई, वो दीवार भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, वहाँ से मिट्टी हम जब हटा रहे हैं ना तो पूरा मतलब खदेड़ जैसा लग रहा है, तो वो भी हमें है, लेकिन थोड़ा अभी रहने देते हैं। जब हमारा उधर का काम शुरू होगा तो ये एक तरफ से ही शुरू करते करते पूरा ख़त्म करेंगे। और होटल के भी दीवार है ना, वहाँ पर भी धो धो करके मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, वहाँ पर भी हमको लिपाई छपाई की काम करनी है, लेकिन सब एक ही बार होगा। और मिट्टी भी ख़त्म हो रहा है, मिट्टी भी मंगवाना पड़ेगा गाड़ी वाला से छापने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी तो लग जाएगा सभी दीवार पर, तो फिर हमें ख़रीदना तो पड़ेगा ही, और ख़रीदना ही पड़ता है। दो इन तरफ लाने के लिए जाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, और ख़रीद लेंगे एक बार पैसा लगेगा या तो कुछ भी, लेकिन एक ही बार में हो जाएगा, इसलिए एक बार हम मिट्टी गिरवाएंगे लिपाई करने के लिए। और पीछे तरफ अभी भी हमारा मिट्टी एक दो गाड़ी गिर चुका है, क्योंकि उधर भी हमारा गड्ढा उड्ढा है ना तो उसको भी बराबर कर देते हैं, इसलिए उधर भी एक दो गाड़ी गिरा रहे हैं इनके पापा। वो सब नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को क्योंकि सुबह के टाइम में वो गिरा देते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए हम नहीं दिखा पाते हैं, तो कभी दिखाएंगे ढेरी जो लगा हुआ है गिरा करके वो सब दिखाएंगे। और इधर के लिए भी गिरवाना है हमें, तो अभी हम लगभग ख़त्म ही ख़त्म है हमारा लिपाई, और लिपाई पोताई की वीडियो ज़्यादातर आजकल नहीं आ रही है। आप लोग भी बोल रहे थे कि लिपाई दिखाना, और एक फ्रेंड्स है ना वो बोलते हैं कि रोज़ दिन लिपाई पोताई डालो वीडियो, तो उनकी कहना भी अच्छी है क्योंकि जब लिपाई पोताई होती है तो हमारे दोस्त आते हैं हमारे वीडियो पर, और जब लिपाई पोताई की वीडियो नहीं होती है तो बहुत से फ्रेंड्स हैं कि नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का ही वीडियो पसंद है, और इसलिए वो लोग नहीं आते होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि लिपाई छपाई करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा काम हो जाता है ना कि लिपाई की काम ही नहीं होती है, कभी तो बारिश हो जाती है, कभी घर पर ही काम हो जाते हैं और सिलाई के काम होते हैं ना, तो फिर इमरजेंसी वाले आजकल शादी दिन पहुंच रहे तो उनके कपड़े भी आ रहे हैं उनको भी सिलना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है काम, तो फिर हम नहीं भी लिपाई कर पाते हैं। और कोशिश तो रहती है रोज़ दिन की हम लिपाई करें, और चूल्हा की लिपाई तो रोज़ होती है, लेकिन कभी लाइट नहीं रहता है तो कभी क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है, तो फिर हम दिखा भी नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सभी जुड़े रहिए हमारे
चैनल पर, और इसी तरह से प्यार, सपोर्ट और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता आप लोगों को मेरा वीडियो। और कभी नहीं इस तरह से मतलब रूट करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि अब हम जा रहे हैं, हमारा रिक्वेस्ट आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो फिर हमारा भी होता है दोस्तों टाइम नहीं मिलता, उसके कारण हम वीडियो में भी कभी कभी रेगुलर नहीं आ पाते हैं। और देखिए कल नहीं डाले थे, कल वीडियो नहीं डाले थे, उसकी वजह है ना कि हम जब वॉइस ओवर कर रहे थे तो हमारा जो वीडियो शूट करने वाला है ना वो काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। फिर दूसरा दिन अपने आप ही बन गया, तो फिर से मैं अभी वीडियो डालने की काम कर रही हूँ। तो मेरा सब एडिटिंग उडिटिंग सब हो गया था, लेकिन मेरा जो ऐप है ना जिससे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं, तो उसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे कल, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और रेगुलर बने होते हैं, सभी को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद जो हमारे चैनल पर नए आते हैं और पुराने भी आते हैं, सभी को नए पुराने सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखे, हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ आप लोग अपना फैमिली में भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा भी उन लोगों से सपोर्ट और प्यार मिले और आगे बढ़ने की सहारा मिले। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आप लोगों को मेरा वीडियो, और कैसी वीडियो और चाहिए घरेलू जो हमारे घर की रूटीन होती है वो सब बताइएगा। ये कंघी वाला ना बहुत ज़्यादा हमको रिक्वेस्ट आती है कि आप कंघी वाला बाल कंघी करके दिखाई, तो हमको वही काम बस नहीं है दोस्तों। मैं तो कई वीडियो डाल चुकी हूँ आप लोगों के लिए, जब रिक्वेस्ट आता है तो मैं डाल ही देती हूँ, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो बुद्धि है मेरा दिमाग में जो है वही मैं डाल देती हूँ, उसके बाद आप लोग फिर से बोलते हो कि ये और करके दिखाना, तो बार बार ये नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही काम को हर दिन दिखाना अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे एक ही काम तो रोज़ दिखाते हैं, लेकिन जो बाल कंघी करने वाले हैं ना, तो ये सब तो मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से बोलते हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मैं मुझे तो अच्छे से बाल कंघी करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर मैं कैसे वीडियो वगैरह शूट करूँ, को क्या करूँ, घर पर काम ही काम है, मैं काम वाम दिखाने के लिए वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये नहीं कि अपना जो हेयर स्टाइल है ये सब नहीं, मैं सबके मतलब ब्लॉग वीडियो है तो मैं सभी दिखाऊंगी, लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे करके आप बोलेंगे कि आज ही दिखा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं रहती है मेरे पास। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, ऐसे भी काम होते हैं कि जो आप लोगों से मैं अभी तक शेयर भी नहीं की हूँ, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और जो हमारे आमने सामने के जो वीडियो देखते हैं ना वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि गांव के जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग वो बोलते हैं कि कैसे इतना काम निपटा लेते हो, घर के सारे काम और सिलाई भी, फिर बच्चों को भी देखना, ये सब कह करके, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है। रोहन को शायद खुजली आ रहा था, वो पैंट में डाल करके खुजली कर रहा था, फिर बाद में बताया था हमको कि मम्मी यहाँ पर खुजली आ रहा है, तो सच में देखे थे तो बड़ा बड़ा सा फोड़ा जैसा हो गया था, तो चलिए घर की लिपाई हो गई।